अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर, और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी पे। तो क्लास नाइन्थ का ये आज दूसरा लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर अपना कर चुके हैं जिसमें हमने अपने चैप्टर का स्टार्ट कर लिया था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो ऐसा रिव्यू कर लेते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, लाइफ साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें स्टडी किया जाता है लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनाइज्म को। तो इन शॉर्ट, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, फॉर एग्जाम्पल काउ, कैट, डॉग एंड आल्सो ह्यूमन बींग। सही, इसके बाद हमने बात करी थी कि बायोलॉजी एक बहुत बड़ी स्टडी है, तो इसको कैटेगराइज किया गया है इसकी मेजर ब्रांचेस के अंदर, जो कि तीन हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्म मौजूद है, इस वजह से ये ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्म बनाई गई हैं। जैसे कि जूलॉजी में हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स को, बॉटनी में हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स को, एंड माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है ऐसे ऑर्गेनाइज्म को जिनको आम इंसानी आँख नहीं देख सकती, वो साइज में इतने छोटे होते हैं जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। इस वजह से उनको कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और स्टडी का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमने बात की थी कि बायोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्टडी क्यों बनाई गई, इस स्टडी का फ़ायदा क्या है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि हमें पहले कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइज्म दुनिया में कौन कौन सी मौजूद है, उनका रिलेशन क्या है आपस में, उनका रिलेशन क्या है उनके इन्वायरमेंट के साथ, जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस किस तरह से होती है, या फिर आपके पास हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो ऑर्गेनाइज्म जो अभी दुनिया में मौजूद हैं वो कौन से हैं, और वो दुनिया से गुजर चुके हैं जो अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो जानदार जानवर कौन से थे। ये सारी बातें हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और आज हम बात करने वाले हैं सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे। सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी अब बात हम करेंगे उन ब्रांचेस पर, बायोलॉजी की उन शाखों पर जो बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस पर अप्लाई की जाएंगी, भले वो जूलॉजी हो, भले वो बॉटनी हो, या भले वो माइक्रोबायोलॉजी हो। ये जो ब्रांचेस हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी ब्रांचेस का पार्ट हैं। वो जो तीन ब्रांचेस बताई थी वो मेजर ब्रांचेस थी जिनको डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्म, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ये तीनों ब्रांचेस सारी टाइप के ऑर्गेनाइज्म पर अप्लाई की जाएंगी। सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी में जो है क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से फैक्टर्स ऑर्गेनाइज्म के, जानदारों के स्टडी किए जाएंगे, उसके हिसाब से ही हर एक फीचर की, हर एक चैप्टर की, या हर एक टॉपिक की एक अलग ब्रांच बना दी गई है जो सिर्फ उस साथ डील करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारी पहली सब ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें नॉर्मली डिस्कस किया जाता है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्म। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब कि कोई जानदार जो है वो कैसा दिखता है बाहर से। अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग की बात करूँ तो मॉर्फ का जो मतलब है वो होता है फॉर्म यानी शक्ल। तो यही हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है उसमें स्टडी की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइज्म की शक्ल को, या वो उसके स्ट्रक्चर को, कि वो कैसा दिखता है बाहर से। सो मॉर्फोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज या फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। अब यहाँ पे सबकी बात की जाएगी, यहाँ पे एनिमल्स के फीचर्स को भी डिस्कस किया जाएगा, प्लांट्स को भी डिस्कस किया जाएगा, और माइक्रोऑर्गेनिज्म को भी डिस्कस किया जाएगा। ये जो ब्रांचेज हैं ये बायोलॉजी की सब ब्रांचेज हैं, जूलॉजी बॉटनी की सब ब्रांचेज नहीं हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए किसी एनिमल की, अगर बात की जाए तो हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी में, तो उसकी स्किन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की बात की जाए तो उसकी स्किन पर जो है वो हेयर्स होते हैं। अगर स्नैक की बात की जाए तो उसकी स्किन पे स्केल्स होते हैं। फिशेस की स्किन पे भी स्केल्स होते हैं। फ्रॉग की अगर देखी जाए तो बहुत स्लीमी होती है, बहुत स्लिपरी होती है। तो ये ऑर्गेनाइज्म के, एनिमल्स के एक्सटर्नल फीचर्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि उनकी आइज कितनी है उनके फेस पर, या उनकी नोज़ कितनी है, उनके कितने एयर हैं, एयर में जो है वो एक्सटर्नल एयर मौजूद है या नहीं है, इंटरनल एयर ही सिर्फ मौजूद है। तो ये सारे जो हैं वो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो डिस्कस किए जाएंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर, कि कोई ऑर्गेनाइज्म जो है वो बाहर से बैरूनी तौर पर कैसा दिखता है, उसकी शक्ल कैसी है।
सिंपल। या अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में किस तरह डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट्स में अगर लीव्स हैं तो उनमें जो लीव्स के अंदर जो पैटर्न होता है वेन्स का, वेनेशन का, जो लीव्स में लाइनें जा रही होती हैं, धारियां जा रही होती हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट है, आया वो पैरेलल अरेंजमेंट में है या फिर आपके पास रेटिकुलेट अरेंजमेंट में है। लीव्स हम देखते हैं, अगर मैं लीव ड्रॉ करूँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये एक लीव्स है, हम देखते हैं कि बहुत से लीव्स में ये चीज़ की जो वेनेशन है ये ऐसी होती है, ये जो लाइन्स होती हैं उसकी, और बहुत से लीव्स में जो है वो ऐसे भी हो जाती हैं। तो ये टाइप टू टाइप वैरी करती है विनेशन। तो हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं, यही चेक करेंगे इस ब्रांच के अंदर कि कोई भी ऑर्गेनाइज्म जो है वो एक्सटर्नली कैसा है, उसके हिसाब से ही उसको कैटेगराइज किया जाएगा और जो है उसको देखा जाएगा कि वो किससे मैच कर रहा है, किससे मैच नहीं कर रहा। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ही चेक की जाएंगी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज़? एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ जो देखने दिख जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी किया जाता है। सो मॉर्फोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्म। सिंपल, मॉर्फोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइज्म की बैरोनी सतह की बात कर रहे हैं कि वो बाहर से कैसा दिखता है, शक्ल कैसी है उसकी बाहर से, तो उसको हम कौन सी ब्रांच में आ जाएगी, वो किस ब्रांच की बात की जाएगी? मॉर्फोलॉजी की बात की जाएगी। सिंपल, मूव करते हैं अगली ब्रांच के ऊपर। तो वो उसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी, इसको एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे, ये एनाटॉमी है। बहुत से लोग इसको एनाटॉमी पढ़ लेते हैं तो प्रोनाउंसिएशन का यहाँ पे काफ़ी मसला रहेगा बायोलॉजी में। तो ये लफ्ज़ जो है वो एनाटॉमी है। क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी किसने नहीं पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है। एनाटॉमी अपोजिट है मॉर्फोलॉजी की। जिस तरह हमने अभी बात करी कि मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइज्म के एक्सटर्नल फीचर्स को, सिमिलरली एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइज्म के इंटरनल फीचर्स को। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनाइज्म या कोई भी एनिमल है अगर, तो उसकी बॉडी अंदर से कैसी है, उसकी बॉडी अंदर से कैसे काम करती है, उसकी बॉडी के अंदर के पार्ट्स कैसे हैं, सही है? इसको हम किस में पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी में अगर बात की जाए तो एनाटॉमी जो ये लफ्ज़ है टॉम, इसका मतलब होता है टू कट। टू कट का मतलब यह है कि आपने उसको काट के, कट करके अंदर से देखना है, सही। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, इंटरनल प्रॉपर्टीज, इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। इंटरनल मतलब बॉडी ऑर्गन्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की बात की जाए तो डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म, डिफरेंट एनिमल्स के हार्ट में डिफरेंट जो है वो चैम्बर्स होते हैं, उस हिसाब से उनकी बॉडी वहाँ पे उनका हार्ट फंक्शन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल फिश की अगर बात की जाए तो फिश के हार्ट में टू चैम्बर्स होते हैं, जबकि आपके पास फ्रॉग के हार्ट में जो है वो ट्रू चैम्बर्स जो है वो थ्री होते हैं। वैसे फाइव काउंट किए जाते हैं लेकिन ये ट्रू हैं, टू चैम्बर्स वहाँ पे फॉल्स होते हैं, लेकिन आपके पास थ्री जो है वहाँ पर वो मेजर या ट्रू चैम्बर्स होते हैं। इस तरह अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन के हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं। तो जिस तरह जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो एनिमल टू एनिमल वेरी कर रहे हैं। तो यही स्टडी क्या है? एनाटॉमी। कि कोई भी जो ऑर्गेनाइज्म है, एनिमल है, उसकी बॉडी अंदर से कैसी है। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट की बॉडी में अंदर क्या होते हैं? प्लांट की बॉडी में अंदर पूरा सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे जाइलम है, फ्लोयम है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मौजूद हैं, उन सेल्स की अरेंजमेंट क्या है, तो ये प्लांट में आ जाएगी एनाटॉमी। हम तो सिर्फ प्लांट को बाहर देखते हैं ना कि भाई फ्लावर है, तो भाई फ्रूट है या उसके जो लीव्स हैं, लेकिन अंदर भी तो बहुत कुछ मौजूद है। अगर एक फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर के खुद के अपने फोर पार्ट्स हैं, जो हम स्टडी कर आए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ये जो एक फ्लावर होता है उसके अंदर मज़ीद चार पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स है, क्रोला है, या उसके जो है आपके पास एंड्रोशियम या गाइनेशियम है। तो जो कलरफुल पत्तियां हैं किसी भी फ्लावर की, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, या जो ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं फ्लावर के अंदर उनकी अरेंजमेंट कैसी है, या प्लांट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोयम है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो हैं भी या नहीं है। सारे प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोयम नहीं होते, सही है। तो ये सारे जो इंटरनल फीचर्स हैं, इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये कहाँ डिस्कस की जाएंगी? ये डिस्कस की जाएंगी एनाटॉमी के अंदर, क्योंकि एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। सिर्फ एक वर्ड को यहाँ पे चेंज करना है। मॉर्फोलॉजी में बात करते हैं एक्सटर्नल की और एनाटॉमी में बात करते हैं इंटरनल की। बाकी दोनों की डेफिनेशन पूरी ही सेम रहेगी, जस्ट
मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाई एनाटॉमी द स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सही, सिंपल यहाँ तक। तो दोनों ब्रांचेज में जो है दूसरे अपोजिट है, वो एक्सटर्नल फीचर से बात कर रही है, दूसरी वैल्यू जो है वो इंटरनल फीचर्स से बात कर रही है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो वही रहेगी, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। यहाँ तक बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, जैसे बहुत सारी ब्रांचेज है इस टॉपिक में, थोड़ा सा हम जल्दी जाएंगे ताकि हमारा टॉपिक कवर हो जाए कि वीडियो में। सो आपके पास नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, सो हिस्टोलॉजी में जो आपके पास हिस्टोज का जो मतलब है वो होता है टिश्यूज। ये बात सब जानते हैं कि लॉजी का मतलब लास्ट टाइम बताया था कि जो लॉजी का जो वर्ड है वो लॉगोस से निकला है, उसका मतलब होता है टू स्टडी। जैसे कि बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहाँ हिस्टोलॉजी का मतलब या मॉर्फोलॉजी का मतलब, यहाँ पे लॉजी का मतलब हमेशा स्टडी रहेगा, हिस्टोज मतलब होता है टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होते हैं भाई, टिश्यूज क्या होते हैं? ये टिश्यू पेपर वाले टिश्यू की बात नहीं हो रही, बल्कि हम ये जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजम्स हैं दुनिया में जो जानदार हैं वो सेल से बने होते हैं। सही है। अब ये तो बड़ी आसान सी बात होगी, जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, उनकी पूरी बॉडी कंसिस्ट करती है सिंगल सेल के ऊपर, वो तो बड़ी आसानी उनकी ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन वो ऑर्गेनाइज़म जिनकी बॉडी में एक नहीं बल्कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज़म, बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेल्स हैं बॉडी के अंदर, तो वहाँ से उस सेल्स की बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि सेल से फिर पूरी बॉडी आगे बनती है। तो टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। सही, या बंडल ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स या क्लस्टर, यानी एक साथ अगर बहुत सारे सेल्स अगर मिल जाएंगे तो टिश्यूज बना लेंगे। अगर एक साथ बहुत सारे सेल्स मिलकर कोई काम अंजाम देंगे तो वो टिश्यूज कहलाएंगे। सही, तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि अगर इस तरह बात की जाए, जो बॉडी है वो लेयर टू लेयर वाइज बनी हुई है, जो ऑर्गेनाइज़म है वो लेयर वाइज बना हुआ है। जो पहली लेयर होती है बॉडी के अंदर वो सेल्स की होती है। सिमिलरली दूसरी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऑर्गेनाइज़म है तो उसको सेल से स्टार्ट हुई उसकी लाइफ, एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट हुई उसकी। सही, तो ये पहला सेल होगा। लेकिन जब बहुत सारे सेल मिल जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, तो उस ग्रुप को टिश्यूज कहा जाएगा। सही, तो टिश्यूज यहाँ पे आ गए। सिमिलरली जब बहुत सारे टिश्यूज ग्रुप बना लेंगे तो उनको फिर मसल्स कहा जाएगा। मसल्स जो है कॉमन लफ्ज़ है यहाँ पर, मसल्स हम जानते हैं जो हमारे गोश्त वगैरह कह सकते हैं आम लफ्ज़ों में। सही, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से मसल्स बन गए। मसल्स जब मिलेंगे बहुत सारे तो वो ऑर्गन बना लेंगे। ऑर्गन यानी आपका हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स हैं, किडनी, सारे मसल्स से बने हुए हैं, तो वो ऑर्गन बन जाएगा। सिमिलरली जब सारे ऑर्गन मिलकर काम करेंगे तो एक ऑर्गेनिक सिस्टम बन जाएगा। जैसे हमने बताया था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो मशीन की तरह काम करती है, पूरा सिस्टम बना हुआ है अंदर, एक सारे जो ऑर्गन से आपस में दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ज़रूरी सबका साथ काम करना। अगर एक में ख़राबी आएगी तो पूरी मशीन, पूरी बॉडी में ख़राबी आएगी, पूरी बॉडी काम करना छोड़ देगी। तो ये पूरी एक स्टेप वाइज जो बॉडी की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई भी है कि सेल्स हैं, टिश्यूज बनेंगे, मसल्स बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, और यानी सिस्टम बनेगा। और इस सिस्टम जब ये बन जाएगा, कम्प्लीटली प्रॉपर काम करेगा, तो सिस्टम के बाद जो है वो एक ऑर्गेनाइज्म बन जाएगा जो कि आप और मैं हैं। सही, तो इस तरह एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म वजूद में आता है, सेल से स्टार्ट होता है और लास्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्म पर आकर बात ख़त्म होती है। तो यहाँ जो टिश्यूज़ की हम बात कर रहे थे अभी, तो टिश्यूज़ जो है वो ग्रुप ऑफ सेल हैं। सही, जब डिफरेंट या सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कोई ख़ास काम अंजाम देते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर, तो उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। और इन्हीं टिश्यूज़ की स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। यहाँ पे बार बता रहा हूँ कि ये कोई ख़ास अलग से कोई ब्रांच की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये बायोलॉजी की, ये जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब अप्लाई की जाएंगी। तो वो टिश्यूज एनिमल के हों, वो टिश्यूज प्लांट्स के हों, वो टिश्यूज माइक्रोऑर्गेनिज्म के हों, फर्क नहीं पड़ता। द स्टडी ऑफ, सिंपल सी बात, हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज। लेकिन अब ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि टिश्यूज दिखते भी हैं या नहीं दिखते। सही है, तो टिश्यूज की स्टडी के लिए जरूरी है यहाँ पर कि माइक्रोस्कोप यूज किया जाए। तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये पूरी बात आपने करनी होगी, क्योंकि टिश्यूज आपको नहीं दिखते, सेल्स ही नहीं दिखेंगे, टिश्यूज दिखेंगे, आपको मसल्स दिखते हैं।
सही है, हमें जो चीज़ नज़र आती है इंसानी आँखों पर मसल जो टिश्यूज़ हमें नहीं दिखते, सही है, तो टिश्यूज़ को देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये बात आप लाजमी बोलनी पड़ेगी कि हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आसान सी बात वही है, पहली लाइन वही रखनी है हमने, हिस्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप। सिंपल, क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो एक एडवांस नेम हो गया आजकल, और इसे बहुत आसान लफ्जों में कहें तो इसको सेल बायोलॉजी कहते थे पहले, अब साइटोलॉजी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। सही है, तो अगर साइटोलॉजी से बात समझ में नहीं भी आ रही है तो बासानी लिखा हुआ है कि सेल बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सेल, इसमें टिश्यूज की स्टडी कर रहे थे, इसमें सेल की स्टडी करेंगे। सही, तो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। अब बताने वाली बात नहीं कि सेल क्या होता है, क्योंकि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सही, जिंदगी की जो शुरुआत है, जिंदगी की जो शुरू होती है, वो शुरू ही सेल से होती है। सेल्स मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी साइंस की बुक के अंदर, ऑर्गेनाइजम्स के बारे में, जानदारों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो बात तो हमें सेल्स की पता है कि सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट है जिंदगी का, लाइफ स्टार्ट ही सेल से होती है। तो वो सेल कैसा होता है एक्चुअली, वो एक एक सेल में ऐसा क्या है जो जिंदगी को शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि सेल के अंदर आपके पास जो है वो क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कि आपके पास सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, या बहुत सारे और भी पार्ट्स जिनको सेल ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। सही, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, प्लाज्मा यानी लिक्विड, तो जो है साइटोप्लाज्म कहा जाता है, सेल का प्लाज्म यानी साइटोलॉजी से निकला है। तो वो बहुत सारी पार्ट, हम सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो क्या क्या काम अंजाम दे रहे हैं, वो किस तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी बातें हम किसमें स्टडी करेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर, साइटोलॉजी के अंदर। सही, यहाँ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजम है उनके सेल्स आपस में क्या डिफरेंट है। यानी अब प्लांट है, एक प्लांट का लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही अलग है एनिमल्स से। तो जब उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है, तो उसका सेल भी क्या होगा, इंतहाई अलग होगा। तो क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म, एक प्लांट सेल कितना मुख्तलिफ होता है एक एनिमल सेल से। तो ये सारी बातें भी जो है इसमें स्टडी की जाएंगी, सबकी स्टडी की जाएंगी, फिर उनका डिफरेंस भी स्टडी किया जाएगा कि ये प्लांट है तो इसका लाइफ अगर ऐसी, इसलिए ये प्लांट है क्योंकि इसके सेल की जो है बनावट ऐसी है, एनिमल से तो उसकी सेल की बनावट ऐसी है, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है तो उनकी सेल की बनावट ऐसी है। यानी जिनका जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने उनके सेल्स बनाए हैं, उनकी बॉडी बनाई है। सही, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं, जो कि सेल के जो पार्ट है अंदर सेल के मौजूद, उसको सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, तो उनको भी स्टडी करेंगे ना। तो सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनिल्स। सिंपल, यहाँ तक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकते हैं, वही जो मैंने बताया अभी, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एग्जाम्पल सब ब्रांचेज में देनी है। सही है, एग्जाम्पल वाली हेडिंग सब ब्रांचेज में आपने देनी है। तो ये हो गई सेल बायोलॉजी की बात। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, तो फिजियो का जो मतलब है नॉर्मली वो फंक्शन हम कह सकते हैं, कोई काम। सही, तो फिजियोलॉजी जो ब्रांच है उसमें स्टडी किया जाता है फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स को। सही, फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स को स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। बड़ी आजकल बड़ा एडवांस भी ये चीज़ आ गई कि फिजियोथेरेपिस्ट का हम नाम सुनते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, वो यही चीज़ चेक करते हैं कि जो कोई बॉडी ऑर्गेन है या कोई बॉडी पार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं लोग, डॉक्टर फिजियोथेरेपी भी होते हैं हमारे पास। तो दरअसल वो स्टडी क्या है, फिजियोलॉजी की ही है। फिजियोलॉजी में यही स्टडी किया जाता है कि कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी ऑर्गेन का फंक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल हार्ट का जो है वो काम है ब्लड पम्प करना, ये उसका फंक्शन है, ये उसकी फिजियोलॉजी कहलाएगी। सही, ब्रेन का जो है वो काम है सेंस करना, सही, या रेस्पॉन्स देना किसी भी स्टिमुलाई के या किसी भी चेंज के अगेंस्ट ब्रेन रेस्पॉन्स देता है। सही, हाथ पैरों का काम है मूव करना, मूवमेंट करना।
सही है, एनिमल बॉडी की बात हो गई, ये उनकी ऑर्गन के फंक्शन है। प्लांट की बात की जाए तो लीव्स का काम क्या होता है प्लांट बॉडी के अंदर, लीव्स कौन सा फंक्शन करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, तो बड़ी आसान सी बात हो गई ना। बचपन से प्लांट ज़्यादा पढ़ते हैं साइंस की बुक के अंदर, एनिमल्स को कम पढ़ाया जाता है। लीव्स का काम है प्लांट बॉडी में फूड प्रिपेयर करना, लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। सही है, तो किचन में क्या बनता है, फूड बनता है। तो जो लीव्स हैं किसी भी प्लांट बॉडी के, ग्रीन लीव्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ग्रीन लीव्स जो हैं वो प्लांट बॉडी में फूड प्रिपेयर करेंगी, ये उनका फंक्शन है। रूट्स जो हैं वो प्लांट बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, उनका फंक्शन ये है। सही है, स्टेम जो है वो प्लांट बॉडी को स्ट्रेट खड़ा रखेगी, उसे सपोर्ट करेगी सीधे रहने में, ये उसका फंक्शन है। सही, तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं बॉडी ऑर्गन्स के या बॉडी पार्ट्स के, ऑर्गेनाइज्म की, जिनको स्टडी किया जाएगा फिजियोलॉजी के अंदर। तो फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। ठीक है जी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इकोलॉजी। फिजियोलॉजी के बाद नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है बायोलॉजी की, इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो वर्ड है वो ऑइकोस से निकला है, जिसका मतलब होता है होम। होम यानी रहने की जगह, यानी एक घर। सो इसमें हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइज्म विद एनवायरनमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम अपनी भी बात करें, सबसे ज़्यादा जो हम आदि होते हैं वो अपने घर के होते हैं। कहीं भी हम मौजूद, लेकिन जो सुकून मिलता है आखिरी में आकर वो अपने घर में मिलता है। सबसे कम्फर्टेबल हम कहाँ होते हैं, अपने घर के अंदर होते हैं। तो सिर्फ हमारी बात नहीं, जितने भी जानदार हैं वो कम्फर्टेबल कहाँ होंगे, मुतमईन कहाँ होंगे, सबसे सुकून उन्हें कहाँ मिलेगा, अपने घर के अंदर मिलेगा जहाँ वो रहते हैं। तो अब जहाँ वो रहते हैं तो इतना कम्फर्टेबल क्यों है वो वहाँ पे? क्या ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वहाँ पर जिनके वो आदि हो चुके हैं? सही है, इन्वायरमेंट का यानी इन्वायरमेंट मतलब वहाँ जो चीज़ें मौजूद हैं उस इलाके में, उस जगह पे मौजूद दूसरी लिविंग थिंग्स कौन से हैं या नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हैं जिनके साथ वो रह रहे हैं, इसकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। सही, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइज्म विद इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइज्म विद इन्वायरमेंट, यानी एक जानदार का क्या रिश्ता है उसके अपने माहौल से, जहाँ वो रहता है या ज़िंदगी गुजारता है वो कितना आदि है उस जगह का, और उस जगह में ऐसा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मछलियाँ समंदर में रहती हैं, पानी में रहती हैं मछलियाँ, ये उनका एक लाइफ स्टाइल है। परिंदे हवा में उड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है उनके लिए उड़ना। सही, जिस तरह से जो रेप्टाइल्स हैं वो रेंगने वाले हैं। अब ये फ्रॉग की अगर बात की जाए तो फ्रॉग ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, उसके लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रॉग सारी ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पर गुजार देगा, पानी में जाएगा ही नहीं। पानी में जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आदि है उस चीज़ का, अपने इन्वायरमेंट का, अपने रहन सहन का। ऐसा ज़िंदगी पानी में नहीं गुजार सकता, पानी से बाहर आना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनका हर एक ऑर्गेनाइज्म आदि है, अपने लाइफ स्टाइल का आदि है, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। सही, इन्वायरमेंट में ऐसा क्या है वहाँ की, तो ये स्टडी किया जाएगा इकोलॉजी के अंदर। कौन सा जानदार कितना सूट करता है किस इन्वायरमेंट को, और ज़रा सा चेंज करने पर उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर को चेंज करेंगे तो ऑर्गेनाइज्म की बॉडी में जो वहाँ रहता है या वहाँ रह रहे हैं उनकी बॉडी में क्या चेंज आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन लिविंग थिंग, उसके इर्द गिर्द दूसरे जानदार कौन से हैं, या सॉरी लिविंग थिंग्स दूसरे जानदार कौन से हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स उसके इर्द गिर्द दूसरे नॉन लिविंग, जैसे लाइट वहाँ पर कैसी है, सनलाइट कैसी आती है वहाँ पर पानी कैसा है, या वहाँ पे हवा कैसी चलती है, नमी वाली है, खुश्क हवा चलती है। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इकोलॉजी में डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट ब्रांच है यहाँ पे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो टैक्सा का लफ्ज, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट यानी तरतीब देना, और नॉमी का मतलब होता है लॉ ऑफ नेमिंग, नाम देने का कानून। टैक्सोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, क्योंकि इसमें जो काम किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। किस लिहाज से, जितने भी ऑर्गेनाइज़म हैं दुनिया के अंदर, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइज़म मौजूद है, तो उन सबको अपनी, हर जो इंसान है डिफरेंट जो है नेशन से, वो अपने ज़माने डिफरेंट नाम दे रहे होते हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि इस चीज़ का नाम क्या है, हर ज़बान में हर एक नया नाम रखा हुआ है किसी ने।
तो ये ज़रूरी था कि एक जानदारों को ऐसा नाम दिया जाए जो सबके लिए एक ही हो, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। जो साइंटिफिक नेम होता है वो हर जानदार का एक ही होता है, सही है। इंडियंस हैं या अमेरिकन्स हैं या पाकिस्तानी या किसी भी दुनिया के किसी भी खत्ते में रहने वाले लोग हैं, वो साइंटिफिक नेम चेंज नहीं कर सकते। भले उनका अपना इलाकाई जबान में नाम कुछ और होगा, लेकिन वो साइंटिफिक नेम को चेंज करने का उनको हक नहीं, क्योंकि एक लॉ है। टैक्सोनॉमी ने एक लॉ बनाया है जिसके थ्रू तमाम ऑर्गेनाइज़म को, एनिमल हों, प्लांट्स हों, कोई से भी हों, उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है जिसके दो वर्ड्स होते हैं। साइंटिफिक नेम इज कंसिस्ट ऑन टू वर्ड्स, सही है। जो पहला लफ्ज़ है वो उसके जीनस का नाम होता है, और दूसरा इसकी बहुत लंबी कहानी बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर में आएंगे। आसान सी बात यह कि टैक्सोनॉमी में जो है क्या स्टडी किया जाता है कि जानदारों की नेमिंग किस तरह करनी है, किसी भी ऑर्गेनाइज़म को नाम किस तरह देना है, साइंटिफिक नेम किस तरह देना है। किसी आम नाम की बात नहीं हो रही है, साइंटिफिक नेम की बात हो रही है, जो पूरा एक प्रॉपर मेथड है कि साइंटिफिक नेम किस तरह दिया जाएगा। साइंटिफिक नेम देने के लिए ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि वो जानदार दूसरे किस जानदार से मैच करता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। पहले ऑर्गेनाइज़म की आइडेंटिफिकेशन होगी कि वो मैच किससे कर रहा है, उसके बाद जो है उसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी कि उसको किस ग्रुप में रखना है, उसके बाद उसका जो है वो नाम दिया जाएगा। तो टैक्सोनॉमी जो है वो बेसिकली 3 स्टेप्स पे काम करती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज़म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज़म एंड देन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनाइज़म। पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो है कैसा, सही है, किससे मैच कर रहा है, उसके फीचर किससे मैच करते हैं, देन आपके पास उसको क्लासिफाई किया जाएगा कि अगर भी इससे मैच कर रहा है तो इसे ग्रुप में डाल दो, ये इससे मैच कर रहा है, ये ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, सही। और अगर जो है उसके बाद उसको नाम, जैसे अगर कोई एक नया जो है वो उड़ने वाला निकल रहा है, कोई एक जानदार दिखा है वो उड़ता है, उसके विंग्स हैं, तो ऑब्वियसली या फीचर चेक करने पर कहा जाए कि वो बर्ड की कैटेगरीज में आएगा। एक जानदार मिला वो रिंगता है, वो रेप्टाइल से ग्रुप में जाएगा। एक जानदार जो है वो मिला है उसको चार हाथ पैर हैं, वो चलता है ज़मीन पे, तो वो मेमस की कैटेगरी में आ जाएगा, सही। इस तरह डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को चेक किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ को चेक किया जाता है, फिर आइडेंटिफिकेशन की जाती है, देन उसको क्लासीफाई किया जाता है और फिर उसका नाम रखा जाता है। वो नाम से पहचान लिया जाता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। साइंटिफिक नेम कोई आम नाम नहीं है, बल्कि उसके पीछे पूरा मेथड है, पूरी हिस्ट्री होती है जानदार की कि वो है क्या, सिर्फ नाम नहीं। तो टैक्सोनॉमी ये पूरा काम करती है कि किसी भी ऑर्गेनाइज़म को आइडेंटिफाई किस तरह करना है, क्लासीफाई किस तरह करना है, और देन उसका नेम किस तरह देना है, साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो स्टडी आपके पास इनहेरिटेंस की। लास्ट टाइम बताया था इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस यानी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है कि जो नए आने वाले जानदार हैं वो मैच करते हैं अपने पेरेंट्स से, यानी जैसे पेरेंट्स होंगे वो आगे जाकर वैसे ही जानदार जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अगर एक मैंगो ट्री है तो आगे जाकर जो सीड बना रहा है वो सीड आगे जाकर मैंगो ट्री को ही जो है वो ज़मीन से ग्रो करवाएगा, ज़मीन से मैंगो ट्री बनाएगा, सही। ह्यूमन्स को प्रोड्यूस करेंगे, कैट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस है। ये कैसे होता है, सही, ऐसा किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने करेक्टर्स ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर, अपनी औलादों के अंदर, नए आने वालों के अंदर। तो ये जो पूरी स्टडी है ये काम कैसे हो रहा है, जेनेटिक्स कहलाती है, इनहेरिटेंस, विरासत का अमल। ये जो नए आने वाले जानदार हैं वो अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स की, सही। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग, सिंपल। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी की जाती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो यानी द फर्स्ट सेल, जो पहला जानदार की लाइफ जब शुरू हो रही है ऑर्गेनाइज्म की, तो वो शुरू होती है सिंगल सेल से, फिर सेल डिवीजन होते 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 बहुत सारे सेल बनते हैं और वो ऑर्गेनाइज्म बन जाता है, जैसा अभी बताया ऊपर मैंने। लेकिन वो सिंगल सेल कैसे बनता है, वो जायगोट से बनता है, सही है। जब जो है वो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तो वो सेल जो बनता है पहला जायगोट के बाद, उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। उस सिंगल सेल से पूरा जानदार बनने तक का जो सफ़र है उसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी बने तक का जो सफ़र है, जो काम है पूरा, उसे कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड दिस स्टडी इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। उस दौरान वो एम्ब्रियो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आता है,
कौन कौन से अडेप्टशंस होती हैं, सेल किस तरह डिवाइड होते हैं, बाकी चीज़ें किस तरह बनती हैं, ये किसने पढ़ाया जाएगा एम्ब्रियोलॉजी में। तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जस्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, सिंपल। और आज की लास्ट ब्रांच है हमारे पास पैलेंटोलॉजी, अब जगह भी वो ख़त्म हो गई बोर्ड के ऊपर। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते, तो फॉसिल्स हमारे पास कुछ ऐसे निशानात होते हैं उन जानदारों के जो दुनिया में अब मौजूद नहीं हैं, ऐसे जानदार जो किसी ज़माने में दुनिया में मौजूद थे, यहाँ रहते थे, लेकिन अब उनकी नस्लें ख़त्म हो गई हैं। तो हमें उनके निशानात मिलते हैं, पहाड़ों से चट्टानों उनकी हड्डियाँ मिल रही हैं, उनके कदमों के निशान मिल रहे हैं जिनको स्टडी किया जाता है। और इन्हीं हड्डियों को जो उनके रह गए हैं निशानात, उनकी हड्डियाँ या उनके जो निशानात हैं उनको फॉसिल्स कहा जाता है। उन फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है और पता जाता है कि ये जानना कितना पुराना है, ये कैसा था, कैसा लाइफ स्टाइल था। तो ये कहलाती है पैलेंटोलॉजी, सही है। तो पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनाइज्म, वो जानदार जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनके निशानात को स्टडी करना, उनके फॉसिल्स को स्टडी करना कहलाता है आपके पास पैलेंटोलॉजी। अब जानदार दो तरह के हैं, एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। तो अगर किसी एनिमल के फॉसिल को डिस्कस किया जा रहा है तो हम कहेंगे पैलोजोलॉजी, और प्लांट्स में तो पैलोबॉटनी। तो पैलेंटोलॉजी सबके लिए हैं, लेकिन इसमें भी कैटेगरीज हैं एनिमल्स और प्लांट्स के हवाले से। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। बाकी आपने करना अब ये है, इतनी सारी बातें आपसे कर ली हैं, सारी बातें आपको बता दी हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, बल्कि इन सारी ब्रांचेस को एक बार अपनी बुक में लाजमी स्टडी करना है, क्योंकि अभी फिर करें तो समझ में आ जाएगा, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, ढूंढते नहीं क्या पढ़ाया था और क्या नहीं पढ़ाया था, सही है। तो अभी आपने इन सारी ब्रांचेस को एक बार अपनी बुक में रीड कर लेना है, इन्हें पढ़ लेना है, इन्हें समझ लेना है। कोई सवाल हो तो आप सवाल जो है वो देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी अब टाइम है आपके होमवर्क और आपके क्लास वर्क का, तो आज के लिए अल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम, और अब बारी है आपके होमवर्क की।